आपने कई विज्ञापनों में पढ़ा और देखा होगा कि एक रुपए में घर भर लो, लाइफ टाइम वारंटी, एक के साथ एक फ्री, लेकिन इस तरह के विज्ञापनों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनमें उनमें क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है इसके स्मार्ट न्यूटेक फैब्रिक्स आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट। क्या गंजे के सिर पर बाल उगाए जा सकते हैं? क्या कोई जूस पीने या बेल्ट पहनने से 15 दिन में मोटापा कम किया जा सकता है? क्या किसी साबुन के इस्तेमाल से आपकी त्वचा में निखार आ सकता है? क्या कोई ताबीज आपकी किस्मत बदल सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ना में ही होगा। लेकिन विज्ञापन की दुनिया में कंज्यूमर्स की आंखों पर भ्रम का चश्मा पहनाकर ऐसे उत्पादों की धड़ल्ले से बिक्री होती है। लेकिन अब ऐसे विज्ञापनों के दिन खत्म होने को हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने भ्रामक विज्ञापन चलाने वाली कंपनियों की नकेल कस दी है। सरकार ने कंपनियों के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं, जिसके तहत अब कंपनियों के लिए ऐसे बरगलाने वाले विज्ञापनों को चलाना आसान नहीं होगा। सरकार ने इसके लिए मिसलीडिंग एड एंड मिसलीडिंग एंडोर्समेंट गाइडलाइन को जारी कर दिया है, जो तत्काल प्रभाव से सभी के लिए लागू है। इस गाइडलाइन का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पर लगाम और भ्रामक दावों पर कार्रवाई करना है। सरकार ने बताया कि कोरोना के दौरान कई सारे भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई भी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिसलीडिंग एड क्या है? सरकार के मुताबिक कोई भी ऐसा विज्ञापन जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में गलत जानकारी दी जा रही है या कोई ऐसा दावा किया जा रहा है जो प्रोडक्ट से मेल नहीं खाता, भ्रामक विज्ञापन होता है। इसके साथ ही अगर प्रोडक्ट के बारे में कोई जरूरी बात छिपाई जा रही है तो ये भी मिसलीडिंग एड कहलाएगा। सरकारी गाइडलाइन में कहा गया है कि बच्चों को लेकर किसी भी तरह की गैर वाजिब क्लेम पर पाबंदी होगी। अगर ऐसा होता है तो एंडोर्समेंट और एंडोर्सर्स दोनों पर कार्रवाई होगी। वहीं डिस्क्लेमर को भी बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी इस ताजा गाइडलाइन में सबसे ज्यादा सख्ती बरती गई है सरोगेट विज्ञापनों पर। सरोगेट विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरोगेट विज्ञापन दरअसल ऐसे विज्ञापन होते हैं जिनमें किसी खास उत्पाद के प्रचार के लिए उसी नाम के किसी दूसरे उत्पाद का प्रचार किया जाता है। भारत में अक्सर ऐसा शराब, तंबाकू और गुटखा उत्पादों के प्रचार के लिए सरोगेट विज्ञापनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता आया है। गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि विज्ञापनों में जल्दी खरीदने को नहीं कहा जा सकता। अगर कंपनी स्पेशल ऑफर, हाफ प्राइस या फ्री जैसे दावे कर रही है तो उसे सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास पर्याप्त स्टॉक है। अगर कंपनियां फ्री का दावा करने के साथ ही शर्तें लागू की बात कहती हैं तो इसे भी भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी देनी होगी और अगर वो अपने दावों को किसी रिपोर्ट या स्टडी पर आधारित बताते हैं तो उसकी भी जानकारी देनी होगी। टूथपेस्ट और च्यवनप्राश जैसे प्रोडक्ट के लिए किसी भी प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर कंपनी का ही कोई सदस्य विज्ञापन कर रहा है तो उसे कंपनी में अपनी पोजीशन का भी जिक्र करना होगा। CCPA झूठे विज्ञापनों के मामले में अब तक 113 कंपनियों को नोटिस दे चुकी है। इसमें से 57 मामले भ्रामक प्रचार से जुड़े हुए हैं। 47 मामलों में कंपनियों को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में लिप्त पाया गया है, जिसके चलते उन्हें नोटिस भेजा गया। जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 9 ऐसे मामले पाए जिनमें कंपनियों पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन का मामला था। CCPA के डंडा चलाने के बाद 14 कंपनियों ने अपने विज्ञापनों को वापस लेने में भलाई समझी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।